दोस्तों अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आखिरकार धर्मशाला के मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड की टीम को रौंदने के लिए जीत लिया है, टॉस चुन लिया पहले बल्लेबाजी। आखिरकार भारत का चल रहा है क्या, स्कोर किसने बना लिए, कितने रन, क्या उतरी है प्लेइंग 11 टीम मैदान पर, सब आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम पांचवा टेस्ट मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैच की टेस्ट श्रृंखला अब समाप्ति पर आ चुकी है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के चार मुकाबले पहले ही खेले जा चुके हैं। और दोस्तों पहला टेस्ट मुकाबला भले भारत की टीम जीत नहीं पाई थी, लेकिन लगातार तीन टेस्ट मैच जीतकर भारत ने यह ट्रॉफी इंग्लैंड के मुंह से छीन ली है। अब दोस्तों आपको हम बता दें कि इस सीरीज का आखिरी और अंतिम मुकाबला धर्मशाला में स्थित HPCA क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां आप सभी इस मुकाबले का आनंद अभी सुबह से ही उठा सकते हो। वहीं दोस्तों अगर बात करें मैच के बारे में तो दोस्तों यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि यहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने टीम में नए युवा खिलाड़ियों की वापसी करवाकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला चुना है। और दोस्तों टीम इंडिया पूरी तरह से चाहती है कि इस पांचवे टेस्ट मैच की पहली पारी में ही कम से कम 500 रन बना दिए जाएं और इंग्लैंड की टीम दो पारियों में भी 500 तक पहुंचे ना और हम मैच जीत जाएं, क्योंकि दोस्तों अगर बड़ी हार इंग्लैंड की टीम को हरानी है तो हमें यह करना ही पड़ेगा। और कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरह से तैयार भी हैं। वहीं हम आपको बताते चलें कि भारत और इंग्लैंड के बीच अगर आप भी यह मुकाबला अभी लाइव टेलीविजन पर सुबह देखना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स 18 के चैनल पर देख सकते हो, और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा ऐप पर दिखाई जा रही है, जहां आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हो। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए मैच के बारे में तो दोस्तों मैच से पहले आपको अगर हेड टू हेड के आंकड़े बताते हुए चलें तो भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक कुल मिलाकर जो टेस्ट क्रिकेट के मुकाबले इंटरनेशनली खेले गए हैं वो है 135, और यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने 51 मैच में जीत हासिल की है और 34 मैच भारत की टीम जीतने में कामयाब रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारतीय टीम बड़ी आसानी से इस सीरीज को जीतने के बाद इस आंकड़े में बढ़त बनाएगी। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड की टीम हमेशा से टेस्ट क्रिकेट में भारत से मजबूत रही थी, लेकिन हमारे भारत देश में आकर हमें हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, ऐसा अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ में आ चुका होगा। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए टीम के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको मैच का हाल बताते हुए चलें तो दोस्तों यहां पर कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुने, और क्योंकि यहां पर दोस्तों बड़ी आसानी से बड़े शॉट लगाकर स्कोर को 500 रन के करीब पहली पारी में पहुंचाया जा सकता है। और आप तो जानते हैं कि टीम इंडिया में यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा का फॉर्म तो इस प्रकार का चल रहा है कि वो शतक जड़ने से भी ज्यादा पीछे रहने नहीं वाले। और वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल की वापसी भी टीम इंडिया में करवा दी गई है, जिससे कि टीम इंडिया और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। और सरफराज खान को तो बड़े शॉट लगाने के लिए जाना ही जाता है। वहीं टीम के बारे में आपको बताते हुए चलें तो भारत की तरफ से जिन खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है उसमें अगर गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजी में कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। वहीं मध्यम क्रम में हम सभी को तीसरे नंबर पर खेलते हुए अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और KL राहुल नजर आने वाले हैं। तो वहीं ओपनिंग भारत के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल कर रहे हैं। और वहीं बात करें इंग्लैंड टीम के बारे में तो इंग्लैंड के लिए बेन डकेट और जैक क्रॉली पारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो वहीं मध्यम क्रम में ओली पॉप, जो रूट, जॉनी बेस्ट्रो, बेन स्टॉक्स, बेन फॉक्स, टॉम हार्टली, ओली रॉबिन्सन, शोएब बशीर, जेम्स एंडरसन खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी दोस्तों आप सभी की क्या राय है भारत इंग्लैंड के पांचवे टेस्ट मैच के बारे में, और आपके अनुसार कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।